जब भी हम कोई डॉग ब्रीड लेने जाते हैं, सबसे मेन कंसर्न की बात यही होती है कि इस डॉग ब्रीड की प्राइस क्या होगी। अब देखा जाए तो डॉग ब्रीड की प्राइस पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे रीसेलर आ जाते हैं, कुछ ऐसे मिडिल मैन आ जाते हैं जो कि अपना कमीशन लेने के चक्कर में डॉग की प्राइस बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको एक फ्रेंड की कहानी बताता हूँ। उसने भी पग लिया था अभी नहीं, कुछ साल पहले। तो उसने जो पग लिया था, हमारे पास में ही एक पेट शॉप है तो वहाँ से पता किया था, तो वो बता रहा था कि 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये पग की प्राइस नॉर्मली होती नहीं है, और देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी। लेकिन मेरे दोस्त ने जहाँ से पता किया था वो एक पेट शॉप ओनर था, वो एक ब्रीडर नहीं था। तो हमारे पास में ही रजौरी गार्डन है, तो रजौरी गार्डन में काफ़ी सारे ऐसे पेट शॉप्स हैं जो कि ब्रीडिंग भी करते हैं डॉग्स की, जो सेल करते हैं। अब वहाँ पे जाके उसने पता किया तो वहाँ पे प्राइस बताई 14,000 रुपये। अब 14,000 रुपये मतलब थोड़ा ज़्यादा बता रहा था, लेकिन 14,000 रुपये में उसने पग जो था वो मेल ब्लैक कलर का वो सेल कर दिया। अब बीच में ये जो मिडल मैन आ रहा था पेट शॉप वाला, जिसको ब्रीडिंग के बारे में पता नहीं था और जिसने डॉग ब्रीडिंग भी नहीं करी थी, तो वो जो है बीच में ये 3,000-4,000 रुपये का जो कमीशन है वो लेने वाला था 18,000 रुपये में डॉग सेल करके। अब अगर आप कोई भी पग डॉग लेने जाते हैं तो इनकी प्राइस एवरेज मैं बता रहा हूँ अराउंड 10,000 से लेके 15,000 या फिर 16,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कुछ रीसेलर जो है आपको 16,000 तक में भी, 15,000 तक में भी बेच सकते हैं, जो कि मिडिल मैन होते हैं, क्योंकि आगे से उनको सस्ता पड़ता है और बीच में वो अपने 2-3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला के आपको सेल कर देते हैं। जब भी आप कोई डॉग ले, चाहे वो पग हो या फिर कोई दूसरी डॉग ब्रीड हो, ये ज़रूर पता करें कि उसके पास, जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसके पास पूरा लिटर दिखाने के लिए है या नहीं है, और तब जाके आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से जो है डॉग चूज़ करिए। जो पप्पी आपको हेल्दी लगता है, एक्टिव लगता है, जिस पप्पी के साथ आप काफ़ी रिलेशन बना रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो वो डॉग आप ज़रूर चूज़ करें, वो पप्पी। अब दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग जो है सस्ते प्राइस को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि लैब्राडोर 5,000 रुपये में या फिर पग जो है 5,000 रुपये में। ऐसी कई सारी डॉग ब्रीड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मन शेपर्ड जो है वो 8,000 रुपये में या फिर 7,000 रुपये में सेल करते हैं काफ़ी लोग। तो वहाँ पे जो है रीसेलर तो नहीं होते, लेकिन जो डॉग होते हैं वो मिक्स ब्रीड होते हैं। दोस्तों इसकी फीमेल अगर मैं आपको बताऊं तो 5,000-5,000 के अंदर भी आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, अगर आप मीडियम कोट की लोगे 4,500-5,000 की फीमेल आपको बहुत आराम से मिल जाती है। मोस्टली केसेस में यही होता है। आप में से भी काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिनके साथ ऐसे चीटिंग हुई होगी, जो कि सस्ते प्राइस को देख के डॉग ले आए, लेकिन फिर बाद में वो चल के मिक्स ब्रीड निकला, या फिर उस जो डॉग ब्रीड आप लिया है, जो डॉग ब्रीड आपने समझ के लिया है, उस डॉग ब्रीड के जैसा दिखने में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैब्राडोर लिया है तो वो लैब्राडोर की तरह नहीं दिखता, उसकी टेल कर्व हो रही है और उसके कान भी हल्के हल्के से खड़े हो रहे हैं, और बीच में बॉडी में कहीं ना एक वाइट स्पॉट है या फिर ब्लैक स्पॉट है, ऐसा कुछ। तो सस्ते प्राइस को देख के भी लोग कभी कभार चीट हो जाते हैं, आप कह सकते हैं। तो सस्ते प्राइस को देख के कभी मत जाइए। आप यूट्यूब में या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी डॉग की एवरेज प्राइस। फॉर एग्जांपल मुझे जितना पता है लैब्राडोर मोस्टली 9,000 से लेके 13,000 या फिर 14,000 तक इजीली मिल जाते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो ऑब्वियसली जो है प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन मोस्टली यही होता है। फीमेल जो होती है वो सस्ती होती है, आप फीमेल का रेट ले सकते हैं अराउंड 10,000 या फिर 9,000 के आसपास, बाकी मेल जो होते हैं वो 12,000-13,000-14 इतने के सेल होते हैं। और पग में भी मैं इतना ही बताऊंगा कि 10,000 से लेके 15,000 या फिर 16,000 तक फीमेल्स जो होगी उनका प्राइस सस्ता होगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है मेल डॉग लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक और चीज़ जो है मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप पग डॉग लेने वाले हैं तो सबसे पहले उसका स्नाउट जो होता है, उसकी नाक जो होती है, वो ज़रूर चेक करिए कि वो अंदर दबी हुई हो। कोई भी पग ऐसा नहीं होता जिसकी स्नाउट हल्की सी बाहर निकली हुई होती है। फेस से जितना चिपटा हुआ होता है उतना ही अच्छा डॉग माना जाता है पग। और पग का पपी लेने से पहले उनकी टेल को भी ज़रूर देखें, जिनकी टेल कर्व्ड शेप में होती है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे। अगर ऐसे ऐसे कुछ उल्टी सीधे डायरेक्शन में जा रहा है तो मे बी शायद से वो प्योर पग ना हो, बिकॉज पग की जो अपीयरेंस है वो ऐसी नहीं होती, उनकी नाक चिपटी होती है और टेल एकदम मैगी की शेप में कर्ल्ड होती है। तो ये चीज़ें जो है आप पग डॉग लेने से पहले ज़रूर ध्यान में रखें, सस्ते प्राइस की तरफ ना जाए और मिडिल मैन जो होते हैं उनसे बच के रहे, और हो सके तो पेपर बग ज़रूर ले। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने पहले ही बताई है, कि जब भी आप डॉग ले
लिटर को देख के ले और अपने हिसाब से जो डॉग आपके साथ पहले पहले फर्स्ट टाइम कहते हैं ना वो फर्स्ट लव, तो वो फर्स्ट लव वाला जो कनेक्शन है वो अगर बनाता है तो उसी पपी को आप चूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंट हुआ है कि आपको सस्ते डॉग में प्राइज लेके किसी ने चीट किया है तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप पग डॉग लेने वाले हैं आपके यहाँ पे पग की प्राइस कितनी है नीचे कमेंट करके वो भी बताएं, ताकि लोगों को हेल्प हो सके जानने में कि एवरेज प्राइस कितनी रहती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।